जव कितना होना चाहिए, तिल कितना होना चाहिए, जव अधिक होना चाहिए या तिल अधिक होना चाहिए, सबसे ज्यादा घी होना चाहिए अथवा शक्कर होनी चाहिए, कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में हमें हवन सामग्री में मिलाना चाहिए। नमस्कार, जय जय सियाराम। शास्त्र में अग्नि को भगवान का मुख कहा गया है, मुखात अग्नि अजायत, अर्थात भगवान विराट पुरुष के मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जब भी हम अग्नि के माध्यम से कुछ भी अर्पित करते हैं तो वह सब कुछ जो है देवताओं को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। अर्थात जब भी हम हवन करते हैं तब वह हवन जो है देवताओं को संतुष्टि प्रदान करता है। हवन में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, इस विषय में शास्त्रों ने बहुत अच्छे निर्देश दिए हैं। जव कितना होना चाहिए, तिल कितना होना चाहिए, जव अधिक होना चाहिए या तिल अधिक होना चाहिए, सबसे ज्यादा घी होना चाहिए अथवा शक्कर होनी चाहिए, कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में हमें हवन सामग्री में मिलाना चाहिए, इस विषय में जो है आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हवन करते समय जो भी सामग्री हम अग्नि कुंड में छोड़ते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं, उस सामग्री को साकल्य कहा जाता है। शास्त्रों में साकल्य के लिए एक विशेष श्लोक प्राप्त होता है, तिलाक्षतयवाश्चापि शर्कराज्यं तथैव च एतच्छाकल्यमित्याहुः पूर्वाचार्य महर्षयः। शास्त्र के अनुसार तिल, अक्षत, जौ, घी और शक्कर, यह सब जो है साकल्य कहलाता है। तो साकल्य में यही सब सामग्री होनी चाहिए। बाजार की जो पैकेट वाली सामग्री आती है संभवतः उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तिलार्धं तण्डुलादेयास्तण्डुलार्धं यवस्तथा यवार्धं शर्कराः प्रोक्ताः सर्वार्धं च घृतं स्मृतम्। आनंद रामायण के इस प्रमाण के अनुसार सबसे अधिक तिल होना चाहिए। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा शक्कर और सबसे आधा घी होना चाहिए। यज्ञ मीमांसा के अनुसार तिलार्धम यवाह प्रोक्ता यवार्धम तंडुलाह स्मृता, अर्थात तिल का आधा जौ होना चाहिए और जौ का आधा चावल होना चाहिए। शास्त्र के इन दोनों वचनों के अनुसार तिल की मात्रा अधिक होनी चाहिए और उसके बाद जौ अथवा चावल की मात्रा करनी चाहिए। परंतु एक बात का यहाँ विशेष ध्यान देना है, तिल से अधिक हमको जव नहीं लेना है, क्योंकि शास्त्रों में जव को तिल से अधिक लेना श्रेयस्कर नहीं बताया गया है। तिलाधिक्ये भवे लक्ष्मीर्यवाधिक्ये दरिद्रता घृताधिक्ये भवेन्मुक्ति सर्वसिद्धिस्तु शर्करा, अर्थात अगर साकल्य में हवन सामग्री में तिल अधिक हो जाता है तो तिल के अधिक होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जव के अधिक होने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है, घी के अधिक होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और शक्कर के अधिक होने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। इस प्रमाण के अनुसार हमें जो है जव अधिक मात्रा में नहीं डालना चाहिए, जो प्रमाण बताया गया है उसी प्रमाण के अनुसार ही जव डालना चाहिए। एक प्रमाण जव को अधिक ना डालने का और प्राप्त होता है। आयुक्षयम यवाधिक्यम यवसाम्यं धनक्षयम सर्वकाम समृद्ध्यर्थम तिलाधिक्यम सदैव ही। तिल से यव के अधिक होने पर आयु का नाश होता है, तिल के बराबर यव के रहने पर धन का नाश होता है, अतः सर्वदा तिल की अधिकता ही उचित है, इससे संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी होता है कि हवन सामग्री में साकल्य में जो अगर तगर कपूर गुग्गुल इत्यादि सुगंधित पदार्थ डाला जाता है वह कितना डालना चाहिए, तो
थोड़ी मात्रा में होना चाहिए अथवा अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो इस विषय में यज्ञ मीमांसा का एक वचन प्राप्त होता है, अन्ये सौगंधिका स्निग्धा गुग्गुलादियवः समाः, अर्थात जितने भी गुग्गुल इत्यादि सुगंधित पदार्थ हैं उन सबको जौ के बराबर की मात्रा में डालना चाहिए। हवन से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस विषय में हमें अवश्य सूचित करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।